प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे वीडियो को, प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि आप लोगों को कुंडली तथा कुंडली के ग्रहों के प्रत्येक भाव, प्रत्येक युक्ति, प्रत्येक उतार चढ़ाव का ज्ञान प्राप्त कराऊँ। दोस्तों, आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधित प्रश्न हो आप मुझसे करिए, मैं फ्री सेवा कर दूँगा। लेकिन कोई मित्रगण अगर अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, उसके लिए कुछ आपको फीस देना पड़ेगा, मुझसे फीस पूछ लेंगे। अगर आप लोग फीस देंगे तो मैं आपके कुंडली का विवेचन कर दूंगा। आप लोग के फरमाइश पर मैं आज वीडियो नया प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी तक चंद्रमा कैसा है, क्या नहीं है, किसके साथ युक्ति है, क्या किस घर में क्या प्रभाव देता है, आज मैं बतलाने जा रहा हूं कि चंद्रमा कुंडली के किन किन घरों में अधिक लाभ देता है और क्या प्रभाव देता है। दोस्तों, जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में चंद्रमा हो, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, अच्छे धन कमाते हैं, अच्छी इज्जत प्रतिष्ठा कमाते हैं, समाज सेवक होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में चंद्रमा हो, ऐसे लोग व्यक्ति को पहचानने की क्षमता रखते हैं, स्वतंत्र होते हैं, भावुक होते हैं, उदार होते हैं और व्यवसायिक विचार के होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें घर में चंद्रमा हो, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, इच्छानुसार शादी करते हैं, जीवन इनका शांतमय होता है, अधिक लालच नहीं करते हैं और अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें घर में चंद्रमा हो, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, ऐसे लोग नेता बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं और अपने गुण, अपने कर्म, अपने मेहनत के द्वारा अपनी पहचान बनाते हैं। जिसके कुंडली में ग्रह में भाव में चंद्रमा हो, ऐसे लोग उदार होते हैं, दयालु होते हैं, धर्म के प्रति रुझान होता है, ऐसे लोग ही सन्यासी पुजारी भी होते हैं तथा मंदिर का निर्माण भी करते हैं। ये बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, चंद्रमा कुंडली के किन किन घरों में अधिक लाभ देता है, अधिक फायदा देता है, क्या प्रभाव देता है, ये आपके सामने रखा। इसको सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।